सिवनी मालवा थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिवस एक आदिवासी युवक के द्वारा आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस जिला सचिव स्वदेश शर्मा ने गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सिवनी मालवा थाना दलाली का अड्डा बन गया है। यहाँ पुलिस कर्मी लंबे समय से पदस्थ हैं एवं अधिकांश स्टाफ आसपास के जिले का है, जिसके चलते आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से पुलिस कर्मियों का मेलजोल किसी से छुपा नहीं है। विगत दिवस सिवनी मालवा थाने के पुलिस कर्मियों के द्वारा सिवनी मालवा तहसील के ग्राम नंदरबाड़ा के मातामाई मोहल्ला निवासी एक आदिवासी युवक अभिषेक परते को ग्राम बमेड़ी के एक बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, जिसे नियम विरुद्ध 5 दिनों तक सिवनी मालवा थाने में रख उसे प्रताड़ित किया गया। वहीं जब पुलिस को युवक से कुछ नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया, जिससे प्रताड़ित युवक ने अपने घर जाकर अगले दिन आत्महत्या कर ली, जिसकी शिकायत भी परिजनों के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम को की गई है, परंतु उक्त पुलिस कर्मियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त पुलिस कर्मियों पर तत्काल जांच कर कार्रवाई कर आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही लंबे समय से सिवनी मालवा थाने में जमे हुए पुलिस कर्मियों का तबादला किया जाए, जिससे थाने के हालत सुधर सके। यदि 8 दिवस में कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कुछ दिन पूर्व एक चोरी के मामले में आदिवासी लड़के जो नंदरवाड़ा का रहने वाला था, उसके साथ थाने में 4 दिन पूछताछ के लिए मारपीट की गई, जिसके बाद घर पे जाकर उसने आत्महत्या की। उनके परिजनों का कहना था कि पुलिस प्रताड़ना के कारण हमारे लड़के ने ऐसा कदम उठाया। इस सिवनी मालवा में निरंतर अधिकारियों का दबाव इतना होता है कि छोटे से छोटा व्यापारी हो, चोरी करने जो चोरी में ना भी हो, उस पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि उसे कुछ ना कुछ उल्टा कदम उठाना पड़ता है। इस प्रकार अधिकारियों का दबाव सिवनी मालवा में नहीं सहा जाएगा और अब इसका विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। क्या मांग किया? हमने मांग ये करी, जो भी इस मामले में दोषी हो उस पर सब पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, बगैर थाना प्रभारी के इन्वॉल्व हुए कोई कार्रवाइयां होती नहीं है। अगर थाना प्रभारी ने इतना बड़ा काम किया है तो किस कारण से किया? और थाना प्रभारी जबकि विगत कई दिनों से विवाद में रहे हैं, पर उनका इस तरीके से किसी को घर से लाना और उनके साथ ऐसा करना, ये निंदनीय है, जिसका हम विरोध करते हैं।